आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन, मेरा मानना यह है कि अगर आप 9,000 के शूज लेते हैं तो गंदा और खराब तो उन 9,000 के शूज को भी होना है, तो क्यों इतने ज्यादा पैसे खराब किए जाएं। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आपकी हाइट के मुताबिक आपके लिए सबसे बेस्ट शूज कौन से होंगे, आपके हाइट के मुताबिक कौन से शूज आपके लिए परफेक्ट होने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर वन है स्नीकर्स। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि आखिर स्नीकर्स होते किस तरह के हैं। स्नीकर्स की तीन टाइप होते हैं, हाई टॉप, मिड टॉप और लो टॉप। इसका फर्क ये होता है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट और 10 इंच से ज्यादा है तो आप हाई टॉप, मिड टॉप और लो टॉप तीनों पहन सकते हैं। अगर आप हाई टॉप पहनेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा अच्छा लुक देगा। अगर आपकी हाइट 5'6" और 5'10" के बीच में से है, यानी 5 फुट 6 इंच के और 5 फुट 10 इंच के बीच में है, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट मिड जो टॉप होंगे वो स्नीकर सबसे अच्छे लगेंगे। ये स्नीकर आपकी हाइट ना ही ज्यादा छोटी दिखाएंगे और ना ही ज्यादा बड़ी दिखाएंगे, ये आप पर काफी ज्यादा परफेक्ट लगेंगे। अगर आपकी हाइट छोटी है, अगर आपकी हाइट 5.6 से छोटी है, तो आपके लिए लो जो टॉप शूज हैं, स्नीकर्स हैं, वो सबसे बेस्ट लगेंगे। इसका ये होगा कि आपके जो एंगल्स होंगे ये आपके एंगल से नीचे होंगे लो टॉप, तो आपकी जो हाइट होगी वो काफी ज्यादा इन स्नीकर से थोड़ी सी बड़ी लगेगी, तो ये शूज आपके लिए सबसे परफेक्ट होंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से ज्यादा है तो आपके लिए जो हाई टॉप है वो सबसे परफेक्ट लगेंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच और 5 फुट 10 इंच के दरमियान है तो आप पर मिड टॉप सबसे परफेक्ट स्नीकर्स लगेंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से भी छोटी है तो आप पर लो टॉप वाले स्नीकर्स सबसे परफेक्ट लगेंगे, ये आपकी हाइट ज्यादा छोटी नहीं दिखाएगा। स्नीकर्स में आखिर हमारे पास कलर कौन से होने चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप स्नीकर्स लेने जा रहे हैं तो सबसे पहला कलर जो कि आपके पास होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वो है व्हाइट कलर के स्नीकर्स। ये व्हाइट कलर के स्नीकर्स आपको काफी ज्यादा औसम दिखाएंगे, आपको काफी ज्यादा अलग दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आप जहां भी जाएं, पार्टीज में, ओकेजन पर, आप कोई भी जगह पर जा रहे हैं, ये व्हाइट स्नीकर्स आपको बहुत ही ज्यादा औसम लगने वाले हैं। अगर आप ये व्हाइट स्नीकर्स पहनते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा अलग दिखाएंगे। तो मैंने व्हाइट स्नीकर को अलग टच देने के लिए इसमें ये स्ट्राइप वाला डिजाइन लिया। ये स्ट्राइप वाला डिजाइन काफी ज्यादा इसे अलग लुक दे रहा है, यानी कि आपको ब्लैक और व्हाइट एक ही साथ कलर मिल रहे हैं। ऐसे शूज आपको काफी ज्यादा परफेक्ट लगने वाले हैं, ये शूज आपको काफी ज्यादा ऑसम लगने वाले हैं। तो ये कि अगर आप अपने कोई और डिजाइन चूज करना चाहते हैं लेकिन व्हाइट कलर का होना उसमें जरूरी है, तो आप रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो नीचे वाला एरिया है वो है व्हाइट और ऊपर है रेड, और डिजाइन में भी व्हाइट और ब्लैक आ जाता है। ये तीन कलर्स हैं, ये काफी ज्यादा ऑसम लगेंगे आपको। अगर आप कहीं पार्टीज में जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी फेयरवेल है, तो आपके लिए ये शूज काफी ज्यादा ऑसम है, आपको ये शूज काफी ज्यादा बेटर लगने वाले हैं। तीसरा है कि अगर आप अपने स्नीकर्स को फॉर्मल लुक देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं या आप किसी पार्टीज में जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसी लुक देनी है जो कि आपको परफेक्ट लगे, जो कि आपको सेमी फॉर्मल लुक दे, तो उसके लिए आपको ये ब्राउन कलर के स्नीकर्स काफी ज्यादा ऑसम लगेंगे। ये ब्राउन कलर के स्नीकर आपको बहुत ही ज्यादा अलग, डिफरेंट और आपको सबसे अलग दिखाने वाला है। ये स्नीकर्स ये है कि इनका जो नीचे वाला एरिया है वो व्हाइट है, ऊपर से ये ब्राउन है। ये काफी ज्यादा अच्छी शेप देता है, जब पहने जाए तो ये काफी ज्यादा सेमी लुक देता है, सेमी फॉर्मल लुक देता है, और काफी ज्यादा दिखने में ऑसम भी लगता है। के वो शूज जो के हमारे कैजुअल में भी लग जाए, हमारी सेमी फॉर्मल लुक भी दे, तो ऐसे शूज आपको काफी ज्यादा अलग और ट्रेंडी दिखाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ऐसे के लिए वो है हमारे लोफर्स। लोफर्स आपको किसी भी ओकेजन पर काफी ज्यादा अलग दिखाएंगे, इनका डिजाइन, इनकी लुक आपको सेमी फॉर्मल भी दिखाएगी, आपको कैजुअल भी दिखाएगी, यानी कि आप किसी भी जगह पर ये शूज पहन सकते हैं। आप इस पे आपको पहनते वक्त अपनी हाइट का ख्याल नहीं रखना है, ये हर हाइट पर परफेक्ट लगेंगे, ये आपकी हाइट को काफी ज्यादा ऑसम दिखाएंगे। आपको इसमें दो कलर लाजमी लेने हैं। सबसे पहले आपको ये ब्राउन
कलर और नंबर टू पर आपको ब्लैक कलर। आपको कोशिश करनी है कि जो इनका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, इनके अंदर कलरिंग नहीं होती। अगर इसके अंदर एक एक से ज़्यादा कलर हैं तो वो लोफर्स नहीं होते, वो किसी और टाइप में आ जाते हैं। आपको सिंपली ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के लोफर लेने हैं, लोफर आपको काफ़ी ज़्यादा औसम और अलग दिखाएंगे। लोफर का फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुपर कूल एंड सुपर अफोर्डेबल भी होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाएंगे, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, किसी भी मार्केट से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सच में अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो लोफर्स हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो आपको आपके ड्रेस शूज की अहमियत का पता होगा कि ड्रेस शूज आखिर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास जो ड्रेस शूज़ हैं वो होने चाहिए ब्राउन में। आपका जो ब्राउन कलर का ड्रेस शूज होगा वो काफ़ी ज़्यादा औसम लगेगा आपको और आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लुक भी देगा। तो इसमें थोड़ा सा अलग लुक लाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन वाला लिया है, इस पर ये बॉक्स से बने हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता है, काफ़ी ज़्यादा औसम नज़र आता है। आप इसे फॉर्मल ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, फॉर्मल ड्रेस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा औसम लगेगा, आपको सबसे अलग दिखाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक को हिट कर लें ताकि आपको मेरी इन फ्यूचर में सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये है आईडी जिमी खान, जैसे मैंने मुझे लाजमी फॉलो कर लें, आपको मेरी आईडी पर लार्ज नंबर ऑप्शन मिलने वाला है कि आपके सन डेली रूटीन में ड्रेसिंग को पेयर कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी फोटोज में पोज बना सकते हैं, लाजमी फॉलो की। फोर पर हमारे जो शूज हैं वो है कैजुअल ऑफिस शूज। ये शूज कुछ स्नीकर्स के भी लुक देते हैं और कुछ अपने ये रहते हैं फॉर्मल लुक, तो यानी कि ये दो लुक्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपके पास ये शूज हैं तो ये आपको काफी ज्यादा औसम दिखाने वाले हैं, ये आपको ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में सबसे ज्यादा अलग दिखाने वाले हैं, ये आपको फॉर्मल और कैजुअल लुक एक साथ देंगे, यानी कि आप कोई भी ड्रेस पहन ले, फॉर्मल पहन ले या कैजुअल पहन ले, ये आपको सबसे परफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो हमारे आखिरी पॉइंट है, जो हमारा आखिरी शूज है वो है चेल्सी बूट। चेल्सी बूट काफी ज्यादा औसम होते हैं देखने में, वो हाई एंकल्स होते हैं, वो आपके लुक को काफी ज्यादा औसम और अलग दिखा देते हैं। मैं काफी अरसे से वो शूज ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ मिल नहीं रहे, अगर मिल भी रहे हैं तो काफी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन ये सस्ते मिलते हैं, लेकिन अभी मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, यानी बाहर मुझसे मंगवाने पड़ रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा मुझे महंगे पड़ रहे हैं, इसलिए मैं मंगवा नहीं रहा। अगर ये मेरे मुल्क में अवेलेबल हुए, मेरी कंट्री में अवेलेबल हुए, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, आपको रिव्यू लाजमी करके दिखाऊंगा कि आपके पास चेल्सी बूट का होना भी काफी ज्यादा जरूरी थी। आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताएगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक एक कमेंट और आप एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए व्हाइट शूज की तो हर कोई व्हाइट शूज का दीवाना होता है, हर कोई व्हाइट शूज का फैन होता है। अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मुझे व्हाइट शूज काफी ज्यादा पसंद है, मुझे व्हाइट शूज काफी ज्यादा औसम लगते हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो मेरे पास ये पहला कलेक्शन है अपने शूज का, व्हाइट शूज का। मेरे पास काफी सारे शूज पड़े हैं लेकिन व्हाइट शूज जो है वो मेरे पास पहला ये कलेक्शन है। मैं तकरीबन पिछले एक साल से इस तरह के शूज ढूंढ रहा था लेकिन अब जाकर मुझे मिले हैं, तो ये मुझे 1500 के प्राइस के अंदर अंदर, ये 1500 के प्राइस के अंदर अंदर मिल गए हैं, यानी कि मुझे 1500 के अंडर ये मिले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा औसम है, ये पहने में भी काफ़ी ज़्यादा औसम लगते हैं।